Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Class 10th, Unit 12, Chapter Geometrical Optics. And the topic is human eye. As we know that our eyes are the windows of the world. Through eyes we can see all around. So, today we will discuss about the human eye, its structure and defects. Moving forward, spectacles. Why do we use spectacles? हम glasses क्यों use करते हैं? ऐसा क्या होता है that we use spectacles and all these things? So there are mainly two defects. We call them the defects of the vision. So these are ये defects हमारे पास तब होते हैं जब हमारे पास eye अपना normally जो function है वो ठीक से नहीं कर सकती. ठीक, अब हमारे पास दो तरह के यहाँ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. नंबर वन इज मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं, एंड द सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लॉन्ग साइडनेस कहते हैं. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डिफेक्ट्स, हमें आई की स्ट्रक्चर को समझना होगा. ठीक, ये हमारे पास आ गई बच्चों एक नॉर्मल आई, एंड वी नो दैट कि हमारे पास आई एक कैमरा की तरह काम करती है. ठीक, अब हमारे पास आई के इंटीरियर में एक ट्रांसपेरेंट जेल होती है जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं. देन हमारे पास उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1.337. लाइट यहाँ से इंटर होती है और हमारे पास कॉर्निया और लेंस पे जाके पड़ती है. अब कॉर्निया और लेंस के दरमियान में एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाता है 1.336. हमारे पास हमारे आयरस का ये काम है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है. जैसे हमारे पास कैमरा में एडजस्टमेंट होती है लेंस की, सिमिलर इज हेयर कि हमारे पास आयरस एडजस्टमेंट करता है कि उस आई में कितनी लाइट को एंटर होना है और कितनी को नहीं होना. अब हमारे पास आगे क्या है, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेटिना, जो कि हमारे पास एक फिल्म की तरह रिएक्ट करता है. ये हमारे पास लाइक अ सेंसर इन अ कैमरा. ठीक, ये क्या है कि हमारी आई से बैक यहाँ पे आप आ जाएं, ये है, ये हमारे पास रेटिना का रीजन है. अब रेटिना में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नर्व्स होती हैं. इन नर्व्स का क्या काम है कि हमारे पास लाइट एनर्जी यहाँ पे आती है ना, तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर ये हमारे ब्रेन की तरफ जाती है फॉर इंटरप्रिटेशन. क्योंकि हमारी आई को तो नहीं पता ना कि सामने क्या चीज़ पड़ी हुई है क्या नहीं पड़ी हुई, यहाँ से सिग्नल जाते हैं दिमाग को, फिर हमें दिमाग बताता है हाँ जी ये चीज़ ऐसे है ये ऐसे है दिस एंड दैट. ठीक, अब हम लेंस ऑफ द आई की बात करते हैं. हमारे पास जो लेंस ऑफ द आई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1.386 टू 1.406. ठीक, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है. ठीक, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वेरी करता है आई टू द आई. हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होती है वो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कॉर्निया में हो जाती है. ठीक है, जब वो एयर से हमारे पास लाइट आती है कॉर्निया में, आई में एंटर होती है, तो रिफ्लेक्शन वहाँ पे हो जाती है. अब आगे है हमारे पास बच्चू लेंस. लेंस क्या करता है, लेंस हमारे पास एडजस्टमेंट कराता है किसकी, क्या हमारे पास जो भी इमेज आ रहा है उसने एडजस्ट होके आगे रेटिना पे जाना है. ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्टेंस देखना होता है. अब यहाँ पे हमारे पास सिलरी मसल्स होते हैं लेंस की साइड्स पे, ये हमारे पास अपना साइज चेंज करते रहते हैं. आप अपनी बुक की डायग्राम 12.28 में भी देख सकते हैं कि कैसे आपके मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं, और इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपके लेंस का साइज बड़ा छोटा हो रहा है. ठीक है, अब हमारे पास ये लेंस के साइज का बड़ा छोटा होना और हमारे पास इमेज को फोकस कराना, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एकोमोडेशन. क्या कहते हैं, एकोमोडेशन. अब हमारे पास बच्चों एकोमोडेशन डिपेंड करती है पर्सन टू द पर्सन, और हमारे पास क्या है कि हम जब नियर बाय चीज़ों को क्लोज, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है नियर होती है हम उसे अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं हम उन्हें ठीक से नहीं देख सकते. हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक हम अच्छे से देख सकते हैं उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई.
क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई, और ये हमारे पास यूजली यंग लोगों के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होती जाती है तो उसकी अमिडेशन पावर इंक्रीज होती जाती है और हमारे पास इसकी वेरी करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कुछ लोग जो हैं वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी क्लियरली नहीं देख सकते, तो वहाँ पे हमारे पास बात होती है डिफेक्ट्स की, कि आया हमारे पास जो लोग नहीं देख सकते उनमें दो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एक होता है शॉर्ट साइटनेस, एक होता है लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों को करेक्ट करने के लिए हम लेंसेज यूज़ करते हैं, आई ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस कुछ भी हम यूज़ करते हैं, कि हमारे पास जो हमारा इमेज होता है वो रेटिना पे जाके बने। ठीक है, ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या डिफिकल्टी है कि वो कहता है कि हमने बात की, हमारे पास यहाँ पे देखें, गर्ल इज रीडिंग अ बुक वाइल मेकिंग इट सो क्लोज टूवर्ड्स द आई, कि अपनी आंखों के बहुत पास ला के वो बुक को पढ़ रही हैं, एंड हेयर आपको नज़र आ रहा होगा कि बंदा है वो जब बहुत पास है तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन दूर है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब पास की चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सो वी कैन से दैट मायोपिया इज़ अ केस इन विच हमें नज़दीक की चीज़ें तो क्लियरली नज़र आती हैं लेकिन जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं हम उन्हें क्लियरली देख नहीं सकते, वो हमारे लिए ब्लर हो जाती हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या, इसको हमने पॉइंट्स में डिस्कस करना है, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कि उसके पास की जो चीज़ें हैं उसे वो क्लियरली देख सकता है, एंड डिस्टिंक्टली बट नॉट सी द अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो उसको नज़र नहीं आती। इन मायोपिक आई द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, क्या होता है बच्चों कि हमारे पास रेटिना से आगे इमेज बनता है, कैसे, ये देखें, ये रहा हमारे पास रेटिना और इमेज यहाँ पे बन रहा है, हालांकि इमेज को यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। सो यहाँ पे क्या डिफेक्ट होता है कि हमारे पास जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, कॉज बाय द टू रीजन, अब इसमें रीजंस क्या होते हैं कि या तो हमारे पास एलोंगेशन हो जाती है आईबॉल की, ठीक है, आईबॉल की एलोंगेशन होगी तो हमारे पास इमेज जो होते हैं वो फोकस होंगे इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, और डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, या फिर हमारे पास फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे पास कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो हमारे पास कनकेव लेंस यहाँ पे आके क्या करता है कि डाइवर्ज करवाता है और हमारे पास आई की लाइट की जो बीम है वो रेटिना पे फोकस करती है। ठीक, यहाँ पे देखें बच्चों, ये लाइट आ रही है रेटिना पे फोकस करने की, यहाँ पे इमेज बनने के बजाय हमारे पास इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, इमेज इज फोकस्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, कि हमारे पास रेटिना पे इमेज बन रहा है। नाउ यू कैन सी अवर हेयर कि कैसे हमारे पास एक इमेज है वो बन रहा है और रेटिना से बहुत पहले बन रहा है, और हमारे पास जब भी इमेज बनता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अब ये इन्वर्टेड सीधा कहाँ होता है कि हमारे पास, हम बात कर रहे थे स्टार्ट में, हमने कहा था कि लाइट रेज यहाँ से जाती हैं दिमाग में, ठीक है, तो जब हमारे पास लाइट रेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके ब्रेन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज सीधा हो जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे क्या किया, मायोपिक आई रे डायग्राम करेक्शन यूजिंग द कनकेव लेंस, हमने क्या कहा था हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम कनकेव लेंस को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, जब हमने कनकेव लेंस को यूज़ किया तो हमारे पास इमेज जाके अब रेटिना पे बनता है। ठीक है, लाइट रेज आती हैं, हमारे पास लाइट रेज को रेज डाइवर्ज हो जाती हैं और फिर हमारे पास इमेज जाके रेटिना पे बन रहा है। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट, कैन यू सी प्रॉपरली, कि दूर की चीज़ें हैं और वो आपको ठीक नज़र आ रही हैं लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वो आपको ठीक से नज़र नहीं आ रही, लाइक ये देखिए, ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम और फ़ोन हमें ब्लर नज़र आ रहा है लेकिन ये फार अवे हमारे पास एक टीवी पड़ा हुआ है एक डिस्टेंस पे तो हमें उसकी इमेज क्लियर नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है केस हाइपरमेट्रोपिया का, ये हमारे पास कहते हैं हम इसको फॉर साइटनेस,
ठीक, अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कि दूर की चीज़ें तो हमें ठीक से क्लियर नज़र आती हैं लेकिन जो हमारे पास की चीज़ें होती हैं वो हमें क्लियर नहीं होती। द इमेज कैन फोकस बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे क्या होता है कि इमेज जो होता है रेटिना से पीछे चला जाता है। लाइक ये देखें, ये रेटिना पे से बनना था ना, लेकिन अब क्या हुआ, रेटिना से बहुत पीछे चला गया हमारा इमेज। जब ऐसे होता है तो देन वी कॉल इट हाइपरमेट्रोपिया। अब हमारे पास इसकी कॉजेज क्या है, देयर आर टू मेन कॉजेज, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। हमारे पास मेट्रोपिया पे क्या होता था कि हमारे पास फर्स्ट जो के सामने पड़ा उसमें हमारे पास आई बॉल एलोंगेट हो जाता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टन हो रहा है। सो इमेज आर फोकस बिहाइंड द रेटिना, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आर आई लेंस, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है फोकल लेंथ में। एंड लास्ट केस में हमारे पास क्या था, डिक्रीज था। अब यहाँ पे करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ कन्वेक्स लेंस फॉर एप्रोप्रिएट पार, अप्रोप्रिएटिंग पार, कि हमारे पास हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और सो वी कैन गेट द इमेज ऑन द रेटिना। देखे बच्चों हमारे पास हो क्या रहा है कि हमने एक इमेज लिया, हमने क्या कहा था, हमारे पास नॉर्मल जो डिस्टेंस है जिसपे हमें इमेज को क्लियर दिखना चाहिए दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर की इमेज भी अगर हमें ठीक से नजर नहीं आ रही, उसका इमेज हमारे पास रेटिना से पीछे जाके बन रहा है, तो वी कॉल दैट अ हाइपरमेट्रोपिकल आईज। तो अब हमारे पास इसे करेक्ट कैसे करेंगे, अच्छा पहले ये देखिए कि हमारे पास इमेज, देखिए इमेज आया पीछे कहीं जाके बनता है। अब जब ये ऐसे होता है ना तो तब हमारे पास जो क्लियर इमेज होती है वो नहीं आती, इमेज हमें नजर आता है बट इट्स ब्लर, वो ब्लर होता है। ठीक, अब इसकी करेक्शन कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम कनकेव कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे पास है जी कन्वर्जिंग लेंस, तो ये हमारे पास यहाँ रेटिना पे कन्वर्ज करवा देता है आई को, लाइट को। ठीक, अब समिंग अप में मैं यही आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया। सबसे पहले ह्यूमन आई को डिस्कस किया, हमने कहा ह्यूमन आई हमारे पास जो है वो एक कैमरा की तरह है। फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 88 से 89 तक हैं। ठीक है, यहाँ ये जो पूरे 89 से 88 पेज तक है ये सारी बातें मैंने डिस्कस की आपसे। फिर हमने उसके डिफेक्ट्स को डिस्कस किया कि हमारे पास शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस क्या चीज़ है। ठीक है, और दैट्स इट, इट्स टू इम्पॉर्टेंट, अगर आपको समझ नहीं आई तो डू आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।